आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे सप्तपर्णी की। एल्स्टोनिया स्कॉलरिस एपोसाइनेसी फैमिली का एक मेंबर है। इस प्लांट की फलियाँ आप देख रहे होंगे, इनके अंदर दुग्ध निकलता है और ये दुग्ध लेप्रोसी के लिए विशेष लाभदायक होता है। साथियों, इसके जो कमल पत्र होते हैं उनको अगर आप पीसकर मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करेंगे तो विभिन्न प्रकार की मूत्र क्रच की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। मूत्र क्रच का मतलब होता है रुक रुक कर पेशाब का आना या फिर पूरी तरह से ना आना। ये समस्या मूलतः किडनी के प्रभावित होने के कारण होती है, तो किडनी के निवारण के लिए ये प्लांट कार्य करता है। कई बार किडनी डिसफंक्शन के कारण स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो उन स्किन प्रॉब्लम्स को भी ये प्लांट दूर करता है। इसी से जुड़ी हुई आर्थराइटिस की समस्या भी होती है, उसके निराकरण के लिए भी आप इसकी छाल का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ छाल का महीन चूर्ण बनाकर उसमें इसके दुग्ध को मिलाकर हमें जहां दर्द हो रहा हो, जॉइंट पेन हो रहा हो या कहीं भी सूजन या इन्फ्लामेशन हो वहाँ पे हमें बांध देना चाहिए। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, न्यूरोमस्कुलर जो पेन होता है, जो दर्द होता है उसको ये आसानी से निराकरण करता है। साथियों, इस प्लांट की कफ और वात जनित रोगों में महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है। लीवर रेमेडिएशन और किडनी रेमेडिएशन के माध्यम से ये प्लांट विशेष गुणकारी होता है। ये छाल और कोमल पत्र विशेष रूप से औषधीय गुणों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एपोसाइनेसी का ये मेंबर है, इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ एल्कलॉइड पाए जाते हैं। एक्सेस मात्रा में कभी आप सेवन कर लें जिससे जी का मचलाना या वॉमिटिंग हो सकती है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डोज कम कर दीजिए, मात्रा कम कर दीजिए, आप देखेंगे कि 12 से 16 घंटे के अंदर आप नॉर्मल हो जाएंगे। मित्रों, नॉर्मली आपने देखा होगा कि रोड साइड इसको आपने लगा हुआ देखा होगा या पार्कों में इसको लगाया जाता है ऑर्नामेंटल पर्पस से, लेकिन औषधीय गुणों की जानकारी ना होने के कारण हम इसके औषधीय गुणों को यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसमें वाइट कलर के जो फूल आते हैं उनको आप इकट्ठा करके रख लीजिए और सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए। स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए आप उसको डिकॉक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं, विशेष गुणकारी होता है। किडनी और लीवर डिसऑर्डर्स के लिए तो ये रामबाण औषधि है। कफ और वात जनित रोगों के लिए, इसके निवारण के लिए आप इसको यूज़ करना चाहिए। उष्ण वीर्य इसकी प्रकृति होती है, उसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। कटिंग के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन सहजता से हो जाता है। वंडरफुल प्लांट है, विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। पूरे भारत में आसानी से ये पाया जाता है। औषधीय गुण भी अगर आप इसके जान लेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं। मित्रों, कई बार रेमिटेंट फीवर की समस्या हो जाती है, जिसमें बार बार क्या होता है कि शरीर के अंदर वात पित्त कफ तीनों बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और बुखार बार बार हो जाता है। ऐसे बुखार के निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी 2 ग्राम छाल ले लीजिए और इतनी ही मात्रा में नीम और गिलोय को मिलाकर इनके भी चूर्ण ले लीजिए और काढ़ा बनाकर और काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन कीजिए। कम से कम 6 घंटे का अंतराल आपको रखना है। आप देखेंगे कि विषम ज्वर की समस्या दूर हो जाती है। गैलेक्टोगोक का एक कार्य करता है, ब्लड के प्यूरिफिकेशन का एक कार्य करता है। लीवर रेमेडिएशन, किडनी रेमेडिएशन के माध्यम से आर्थराइटिस, यूरोलिथियसिस, इसमें क्या होता है कि स्टोन की समस्या हो जाती है, यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ भी ये वंडरफुल रेमेडिएटर होता है। इस प्रकार से आप इसके औषधीय गुणों के लिए इसको यूज़ में ला सकते हैं। एक्सेस मात्रा में लेना हानिकारक हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये जानकारी अपने मित्रों, साथियों, सखाओं के साथ ज़रूर साझा कीजिए ताकि वो सब भी इसके औषधीय गुणों से लाभान्वित हो सकें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।